वेलकम टू स्नो डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी दोनों पक्ष ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनैतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को
उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। स्टॉप। अगर आपको डिटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिटेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।